हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपको गुजराती कढ़ी की रेसिपी बताऊंगी। गुजराती की कढ़ी खट्टी मीठी और बहुत ही टेस्टी रहती है, और आप इसे खिचड़ी के साथ, पुलाव के साथ, प्लेन राइस के साथ, जीरा राइस के साथ, या रोटी सब्जी के साथ साइड में भी सर्व कर सकते हो। तो आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही नई रेसिपी के लिए आप बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। तो कढ़ी के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो बता दूंगी। तो मैंने 3½ कप, ये कप से मेजर करके मैंने खट्टी छाछ ली है। और अगर आप दही से बना रहे हो तो 1½ कप दही, उसमें 2 कप पानी मिला के उसकी छाछ बना लीजिए। और आप ध्यान रखिए, दही भी आप खट्टा ही लो। 3 बड़े चम्मच मैंने बेसन लिया है, थोड़े मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं नमक स्वाद के अनुसार, और 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। तो आप आपके टेस्ट के अनुसार ले सकते हो। हरी मिर्च माइल्ड है इसीलिए मैंने 2 ली है। और मैंने 1 सूखी लाल मिर्च ली है, 3 मैंने लवंग लिए है, और 1 मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 बड़े चम्मच मैंने शक्कर ली है, 1 छोटा चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है, और 1 छोटा चम्मच मैंने जीरा लिया है, और धनिया हम लेंगे गार्निशिंग के लिए, और 1 बड़ा चम्मच मैं घी ले लूंगी तड़के के लिए। तो हम तड़के के टाइम यूज़ करेंगे। तो पहले मैं अदरक और मिर्ची का पेस्ट बना लूंगी, और मैं बेसन को छाछ में 3 बड़े चम्मच डाल दूंगी, और उसमें मैं अदरक मिर्ची का पेस्ट, और हम मिक्स कर देंगे। मैं ब्लेंडर से मिक्स कर रही हूँ, और ध्यान रखिए इसमें गुठलियाँ ना हो, ऐसे आप मिक्स कर दीजिए। तो अब ये हो गया है, इसमें गुठलियाँ नहीं रही है, बेसन अच्छे से छाछ के साथ मिक्स हो गया है। और अभी मैं उसे गैस पर धीमी आंच पे हम उसको उबालना चालू कर देंगे। हम मिक्स करते जाएंगे ताकि वो बॉटम पर चिपके नहीं। तो अभी मैं साइड में तड़का भी अभी ही कर दूंगी। तो मैंने इसमें घी डाल दिया, तो घी मेल्ट हो गया। अभी मैं उसमें डाल दूंगी मेथी दाना, और मैं डाल दूंगी सूखी लाल मिर्च, लवंग और दालचीनी, और मैं डाल दूंगी जीरा, और हम मेथी दाना को थोड़ा लाल होने देंगे। और मेथी दाना हमारा लाल होना चालू हो गया है। मैं कड़ी पत्ता डाल के मिक्स करके गैस की आंच को बंद करके हमारी जो कड़ी उबल रही है उसमें हम तड़का डाल देंगे, और हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आप देख सकते हो हमारी कढ़ी अभी पतली है, पर हम उसे 2 से 3 उबाल आने देंगे ताकि जो हमारा तड़के का टेस्ट है वो भी कढ़ी में बैठ जाए, और हमारी कढ़ी ठीक हो जाए और वो अच्छी लगे खाने में। तो भी आप देख सकते हो उबाल आ रहा है, और हमारी कढ़ी गाढ़ी होना चालू हो गई है। मैं एक और उबाल आने दूंगी, तो अभी एक और उबाल आ गया है। अभी मैं उसमें डाल दूंगी नमक और शक्कर। तो आप शक्कर ज्यादा भी डाल सकते हो, आपकी कढ़ी कितनी खट्टी है उसके हिसाब से आपको टेस्ट खट्टा और मीठा बैलेंस करना है। तो इधर मैं 2 बड़े चम्मच से ये कढ़ी का टेस्ट बराबर है तो मैंने ऐसे लिया है। तो अभी हम उसको मिक्स करके अच्छे से एक और उबाल आने देंगे, फिर हमारी कढ़ी तैयार है। मैंने नमक और शक्कर लास्ट में ही डाला ताकि जो छाछ और पानी है दोनों अलग ना होए, और हमारी कढ़ी ऐसी गाढ़ी और स्मूथ होए। तो आप देख सकते हो उबाल आ गया है, मैंने बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया। हम मिक्स कर देंगे गैस की आंच को, अभी हम बंद कर देंगे। हमारी कढ़ी हो गई है, अभी हम उसे सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। तो कढ़ी गरम गरम सर्व कीजिए। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।